आज हम आए मुंबई के एक ऐसे साइंस म्यूजियम में जहां आप खेल खेल में साइंस सीख सकते हो। राहुल छपरी जेब कतरे छपरी ब्लॉगर कह रहा है। भाई माइक की तरह आवाज आ रही है अक्षय, जैसे कोई माइक में बोल रहा है। इतनी दूर की डिस्टेंस देखना और वो बोल भी काफी धीरे रहा है। अगर आपका भी स्कूल टाइम में मेरी तरह साइंस में हार्ट टाइट रहा है ना, तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इसमें आपको कमाल कमाल की चीजें देखने को मिलेंगी और सीखने को भी मिलेंगी। तो आज जिस जगह हम आए थे उसका नाम था नेहरू साइंस सेंटर, जो पड़ता है मुंबई के वर्ली एरिया में, और इंटरेस्टिंगली पूरे इंडिया का सबसे बड़ा साइंस सेंटर है जो पूरे 8 एकड़ में फैला है। अब हमने यहाँ पहुंचकर कितना फन किया चलो बताता हूँ। तो 4 लोगों की पूरे 700 रुपए की टिकट खरीद के हम बड़े इस पार्क के अंदर, और यहाँ पहली चीज जो हमने देखी वो थी यहाँ की ये ज़ाइलोफ़ोन, जिनमें एक पैटर्न में बिछाए गए थे कुछ आयरन के ब्लॉक्स, जिनमें ज्यादा लंबे ब्लॉक्स लो फ्रीक्वेंसी वाला साउंड प्रोड्यूस करते हैं, और ये सारे साउंड वाइब्रेशन की मदद से प्रोड्यूस होते हैं। और देखो जब मैंने इसे ट्राई किया तो क्या रिजल्ट रहा। अगला था ये मोबियस बैंड, जिसपे आप सफर किसी भी तरफ से शुरू करके वापस वहीं लौट सकते हो। अब ये क्या बला थी ये मेरे को तो समझ नहीं आई, बाकी आपको इसके पीछे का साइंस पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बस आधी अधूरी नॉलेज लेके चढ़ जाता है बस। क्या हुआ तू नहीं आया? वाह वाह वाह। नेक्स्ट इस पार्क में दिखा हमें एक ऐसा डेमोन्स्ट्रेशन जिसमें जाहिर किया था कि कैसे आप ज्यादा पुली की मदद से भारी वेट भी आसानी से उठा सकते हो। कम तार वाला ज्यादा तो उठ रहा है, 3 और यहाँ 4। कम तार वाला इजीली उठ रहा है, हाँ, नॉट दैट ज्यादा तार वाला इजीली। नहीं भाई उल्टा होना चाहिए, लेकिन इस पार्क में अगर कुछ बेहद ही अनोखा मुझे लगा ना तो वो तो थी ये विस्परिंग डिस्क। ये वर्क कर गया ना तो मैं मान लूंगा साइंस कोई चीज होती है, कि ये यहाँ पे मुझे सुनना है और वहाँ से राहुल बोलेगा वहाँ पे, ये जो यहाँ पे आपको दिख रहा है। इस ट्यूब में पैराबोलिक रिफ्लेक्टर का कॉन्सेप्ट समझाया गया था प्रैक्टिकल तरीके से, जिसके मुताबिक इतनी दूरी से भी फुसफुसाने की आवाजों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जा सकता है। ओ भाई माइक की तरह आवाज आ रही है अक्षय, जैसे कोई माइक में बोल रहा है। इतनी दूर की डिस्टेंस देखना और वो बोल भी काफी धीरे रहा है। ओए राहुल भाई रुक जा मैं बोलता हूँ। राहुल छपरी जेब कतरे एंड आई मीन मेरे लिए ये चीज तो बड़ी हैरान कर देने वाली थी यार। इसमें एक कोने पर जनरेट हुआ साउंड पैराबोलिक सरफेस से टकराकर एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करके दूसरे रिफ्लेक्टर तक पहुंचता है, और इनफैक्ट धीमी से धीमी आवाजों को भी वो वहां पहुंचाता है। मुझे तो यार इसे देखकर हमारा बचपन का वो 2 ग्लास और तार को जोड़कर बनाया हुआ फोन याद आ गया। एंड मैं तो यार कसम से बड़ी इच्छा लगता हूं कि आजकल ये जो यूट्यूब इंस्टा पे प्रैक्टिकल लर्निंग के कॉन्सेप्ट आ गए हैं ना, ये काश हमारे टाइम पे भी आ गए होते तो हमें रट्टे मारने की जगह एक्चुअली कुछ सीखने को मिल जाता। बाकी आप साइंस में कितने अच्छे थे कमेंट सेक्शन में बताना। भाई साइंस तो बड़ी कूल होते हैं यार, आज मुझे पता चला मैं बेकार में भागता रहा हूँ उससे। इसके साथ साथ इस पार्क में मैंने एको ट्यूब में अपनी सिंगिंग का भी टैलेंट दिखाया। अब इस बात की सारी चीजों को देखकर हम बढ़े अंदर की ओर, जिसमें हमें कुछ और फन और अनोखी चीजें दिखी। पुतला क्या कर रहा है? उसी के जमाने का जोक है जिस जमाने का वो पुतला है। पर मेरा ध्यान तो भाई सबसे ज्यादा जिसने खींचा ना वो थी ये साइंस क्विज, जिसमें हमने मुश्किल साइंस के सवालों का गलत जवाब दिया। हम दे चुके हैं, अब क्या छुपा रहा है? हुआ ही नहीं तेरा कुछ भाई, मैंने किया नहीं है, किसी का सही नहीं है। फिर देखा ये जॉइंट हार्ट, जिसमें आपकी दिल की धड़कन कैसी सुनाई देती है आप ये सुन और फील कर सकते हो। ये देखा अक्षय तू मेरे दिल में रहती है। I always knew this. आगे जाके मैंने देखा अलग अलग सदियों की इंसानी खोपड़ियाँ, 7 लाख साल पहले ऐसी। अरे राहुल की तो आज भी ऐसी है, एक बार हंस के दिखाना। अपने आप छोटी हो गई। नेक्स्ट मैंने देखा कैसे मैं करोड़ों में एक कैरेक्टरिस्टिक्स रखने वाला एक इंसान हूँ इस मशीन की मदद से। मेरा फ्री है डिंपल, कहाँ डिंपल है भाई। चलो। फिर देखी वो गेम जो याद है हमारी ज्योमेट्री बॉक्स में हुआ करती थी, और साला हम इसे कभी नहीं जीत पाते थे। यार बचपन में भी नहीं होता था, आज भी नहीं होता। गाइस मी वेटिंग फॉर माय क्रश रिप्लाई। वैसे कंकाल सिर्फ अपनी क्रश का रिप्लाई करते हुए ही यहाँ नहीं बैठा, बल्कि ये दर्शाता है कि कैसे आपके ब्रेन का कौन सा हिस्सा आपके किस अंग को कंट्रोल करता है ना कमाल। लास्ट हमने अपना रिएक्शन टाइम टेस्ट किया इस मशीन से। ऊपर चल रहा है, ये भी नहीं हुआ।
हो गया 7 7 हो गए और अपना बैलेंस टेस्ट किया इस मशीन पे एंड लास्टली अपनी स्ट्रेंथ टेस्ट करी इस मशीन पे कितना हुआ 26 केजी 26 किलो मसल भाई सिर्फ प्रोटीन है प्रोटीन 33 केजी मेरा तो बहुत कम था फिर एक ये बिहार के लड़के ना बड़े दिमाग खराब होते हैं 5 किलो चलो मेरी दो में लग गई 26 की जो भी अटक गए एंड भाई कुछ भी बोलो मजे करने के लिए और सीखने के लिए ये जगह मुझे तो भाई बहुत मस्त लगी एंड इनफैक्ट मैं तो कहूंगा कि आपके अगर बच्चे हैं तो फिर तो ये जगह मस्ट विजिट है आपके लिए और सफर यहीं खत्म नहीं हुआ था जाने से पहले 130 रुपए की टिकट में हमें ऑस्ट्रेलिया के जंगल में जीव जंतुओं की जीवन पर बनी एक डॉक्यूमेंट्री भी देखने को मिली जो बिल्कुल लास वेगस के स्क्वायर की तरह बने 360 डिग्री थिएटर में हमें दिखाई जा रही थी। हालांकि इसकी क्वालिटी काफी बेकार थी पर एसी यहां बड़ा मस्त चल रहा था जिसके कारण मैं आंखें बंद करके अपनी स्कूल टाइम की यादों का एहसास लेने लगा। क्या मजा आ गया, मतलब जो मूवी थी ना वो बेस्ट पार्ट था इसका। इतनी बेस्ट थी बहुत सही। इतना बढ़िया एसी चल रहा था, इतना शोर आ रहा था, इतनी जबरदस्त। बताऊं क्यों बेस्ट लगी, क्योंकि जब हम स्कूल में सोते थे ना टीचर पढ़ा रही होती है और वो फीलिंग मेरे दोबारा में वापस आ गई है जब मैं साइंस पढ़ी और दोबारा वो प्यारी नींद आई। एंड ओवरऑल यार मेरे लिए तो यहाँ आना बॉस पैसा वसूल एक्सपीरियंस था। बाकी आप यहाँ कभी आए हो और आपने ऐसा कुछ देखा है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। हम मिलेंगे आपसे कल नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड नाइट।